हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। तो देखिए, कल यानी 15 जनवरी 2022 को आए हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स। तो इस वीडियो में ब्रीफली कवर कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को। एंड देन देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो बना के आपको टारगेट्स एंड सारी चीजें टेक्निकल स्ट्रक्चर समझाया था। तो बहुत डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पूरा पॉजिटिव है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिजल्ट का इंपैक्ट पिछली बार से कुछ अलग होने जा रहा है। सबसे पहले डेटा आप देखिए किस तरीके का डेटा रहा है। 1% की तेजी रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, एंड द एक्सपेक्टेशन वॉज कि इसके रिजल्ट अच्छे जाएंगे, इसीलिए यहां पर क्लोजिंग होते होते यहां पर तकरीबन 16 रुपए की तेजी आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे। अगर देखिए आगे फर्दर लेके मैं चलूं तो यहां पर सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करने वाली होती है कि इसके 52 वीक हाई कहां पर है और ये उससे कितना नीचे इस वक्त फ्लोट होता हुआ नजर आ रहा है। तो 1725 के ऊपर 52 वीक हाई है 18th ऑफ अक्टूबर 2021 के, जो पिछले साल इसने बेसिकली लगाए थे। एंड वहां से अगर आप देखें तो काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में इस वक्त ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 58% है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, जो क्लियर दिखा रही है कि देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग मार्केट के अंदर एक न्यूज थी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ सकते हैं। बिकॉज पिछली बार जो रिजल्ट्स आए थे उनके अंदर एक असर था लॉकडाउन का, सेकेंड वेव का, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक्सपेक्टेंसी थी कि प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होगा, एनआईआई के अंदर ग्रोथ होगा, एंड हो सकता है जो एनपीए हो वो भी वहां पर सुधरते हुए दिखाई दें। और ये तीनों ही चीज देखिए अपने लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। ब्रीफ में आपको इनका स्ट्रक्चर बता देता हूं। प्रॉफिट जो जंप हुआ है 18% के आसपास हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। अगर आप देखेंगे 10,342 करोड़ हो गया है स्ट्रांग रेवेन्यूज के बेसिस पर। फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी के अंदर यहां पर अच्छी खासी तेजी दिखाई है। 16,775 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में जिसका रिजल्ट्स आए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो 15,807 करोड़ का था। तो यहां पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है, 1000 करोड़ की एक्चुअली में यहां पर तेजी देखने को मिली है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, जो कि प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी से पहले आता है। अब सेकेंड पॉइंट जो है उसके अंदर भी बहुत अच्छी बात आई है कि जो प्रोविजंस है वो यहां पर कंपनी को कम करने पड़े हैं। मात्र तकरीबन अगर आप देखेंगे 3000 करोड़ की प्रोविजनिंग करी है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4000 करोड़ की प्रोविजनिंग थी। तो यहां पर ये जो है ये निगेटिव होती हुई दिखाई दी है 1000 करोड़। तो ये जो 1000 करोड़ यहां पर कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है प्रोविजंस में वो सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जुड़ता हुआ दिखाई दिया। इसलिए अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 10,342 करोड़ यहां पर आता हुआ दिखाई दिया है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 8,834 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 8,758 करोड़ था। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे वाई ऑन वाई के बेसिस पर तकरीबन 18% की तेजी आपको दिखाई दी जाएगी। तो रिजल्ट ऑल ओवर जो है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही है। मार्केट ने ये बोला था कि देखिए यहां पर 12% से लेकर और 16% तक की तेजी देखने को मिल सकती है प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, लेकिन आई एक्चुअली 18% है। तो ये स्लाइटली अबव ही है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स ने, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी मार्जिनल डिफरेंस भी किसी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये डेटा आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी का आ गया। अब इसके अगर बॉटम लाइन हमने देख ही लिए, अब यहां पर जरा आप इसके ऊपर नजर डालें जो एनपीएस यानी कि एसेट क्वालिटी के अंदर सबसे पहले ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो 16,013 करोड़ का यहां पर ग्रॉस एनपीए दिखा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 16,346 करोड़ का था। यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज देख रहे हैं तो 1.35% से 1.26% हो गया, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर नेगेटिव हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल पुराने क्वार्टर से यानी कि दिसंबर 2020 के क्वार्टर में तो 8,825 करोड़ था, यानी कि बहुत कम ग्रॉस एनपीए था एक साल पहले, जो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे 0.81% ही था, जो अब यहां पर 1.26% हो गया। तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर आपके पास में क्या चीज हो रही है, ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट इसको इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस पूरे एक साल के अंदर
कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी इंक्रीज हुई है। यहां पर अगर आप देखेंगे 189,865 करोड़ की नेटवर्थ थी दिसंबर 2020 में, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है 223,394 करोड़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बेस देख रहे हैं कंपनी का, तो कंपनी ने बेस के अंदर काफी वाइड एक्सपेंशन किया है। तो लाजमी सी बात है ये फिर उस कंडीशन में मैटर ज्यादा नहीं रखता कि एक साल पहले 0.81% थे और अब 1.26% होते हुए दिखाई दिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि कंपनी ने प्रोविजंस कम किए हैं बाय 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ के प्रोविजंस कम करने पड़े हैं, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में गया है जो 10,342 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो जितनी कम प्रोविजंस होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, एंड इट मींस कि उतनी ही हेल्थ बैंक की अच्छी है। ये ऑल ओवर आपको यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन जो है वो काफी पॉजिटिव है एचडीएफसी बैंक को लेके, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मूव तो आपको पूरी ड्यूरिंग द इंट्राडे सेशंस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पर शायद ना दिखाई दे, बट आपको एक अच्छा खासा कंसीडरेबल मूव दिखाई दे जाएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपका प्रॉफिट भी बांध के चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमने देखा था वहां पर रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट हुई थी। आरएसआई जो है 60 को टच करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये शुरुआती सेशन में काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस खुल सकता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी यहां पर क्रिएटेड है। तो इस रेजिस्टेंस से पहले अपनी प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, पर्टिकुलर कल के लिए हमारे पास में ये लेवल्स आएंगे जो 1570 के आसपास है। तो 1570 रुपए पर एक रेजिस्टेंस यहां पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, केवल गुड रिजल्ट्स को प्ले करने के लिए अपनी पोजीशंस बनाई थी, तो पार्शियल प्रॉफिट आप 1570 पर बुक कर सकते हैं। शुरुआत में क्या देखना है कि शुरुआत की जो 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो किस तरीके से एक्सपोनेंशियली वहां पर मूव दिखा रही है। अगर वहां पर 3 कैंडल्स के अंदर कोई डिप आया, यानी कि 15 मिनट की 2 कैंडल तो ऊपर की तरफ बनी लेकिन 3rd कैंडल पर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में क्लोजिंग होती है, तो फिर डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस है ये अपना असर दिखाएगा, एंड शायद यहां पर आने के बाद में थोड़ी बहुत जिटरनेस हो सकती है। बट एक चांस ये भी है कि देखिए यहां पर एक जो ओपनिंग हो वो 1570 के आसपास ही हो और स्टॉक प्राइस उससे ऊपर निकलने की कोशिश करे। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन आपको देखनी है इंट्राडे में, तो हमें केवल ये चीज कंसिडर करनी है कि अगर ये जो ओपनिंग है शुरुआत की 2 से 3 कैंडल 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पर 1570 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो इसके अंदर आप बाइंग साइड में पोजीशंस बना सकते हैं। 1570 का स्टॉप लॉस आप उस तरीके से इंट्राडे में रख सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस की बात करें 1545 पर है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 25 पॉइंट नीचे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है इस रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा उसके बाद ही हमें आगे के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छे लेवल्स हैं। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में 2 से 3 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया भी है, उस तरीके से आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो ऑल ओवर ये रिजल्ट है और इसका इंपैक्ट आपको कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन वाले दिन देखने को मिलेगा, एंड द चांसेस आर लाइकली टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन एचडीएफसी बैंक ड्यूरिंग द ओपनिंग सेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट टुमारो। ऑल ओवर देखिए एचडीएफसी बैंक का ब्रीफ डिस्कशन है इस वीडियो में जो हमने यहां पर किया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, एंड रिजल्ट्स को भी आपने अच्छी तरीके से समझा होगा जिस तरीके से मैंने यहां पर बताने की कोशिश करी है। कोई भी कंफ्यूजन हो डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक, तो इन स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली देखिए कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द उन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो मैं बनाऊं। और देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जहां पर आपको लगता है कि टेक्निकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज नजर आ रही है, या फिर उसका आउटलुक क्या हो सकता है एज ए पोजिशनल ट्रेडर, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजिए। मैं डेफिनेटली आने वाले हफ्ते के अंदर उन सारे स्टॉक्स को कवर करने की करूंगा कोशिश। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।